छोटे शहरों में होता है गाँव में, एक तरफ आप टिपिकल मेला गांव का, एक तरफ जानवर बिक रहे हैं, एक तरफ जलेबी बन रही है, एक तरफ समोसे बन रहे हैं, उधर तोता भविष्य फल दिखा रहा है, हर काउंटर पे रिकॉर्ड बज रहे हैं, तेज लाउड स्पीकर लगा हुआ है, खोया पाया केंद्र भी वहां सूचनाएं चलती रहती हैं। ऐसे मेले में जब आप घुसिए, कभी कभी आप घुसते हैं तो देखिए एक साथ कितनी आवाजें आती हैं कंटिन्यूअस। आप मेले में घुसे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते जाइए, ये 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 बेंजी बेंजी भाई साहब भाई साहब, ये बंबई की भेल, बंबई की भेल, बंबई की भेल, भेल भेल, दे दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट लीजिए, दिल्ली की चाट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस चौकी से ले जाए के पग घुंघरू बांध, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, ओले 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 ओले, आगे बढ़ते जाइए, बेंजी बेंजी भाई साहब, मौत का कुआं देखिए, मौत का कुआं देखिए, कर गया तो सर्कस वरना मौत, मौत का कुआं देखिए, एक लड़की जिंदा सांप खाती है, एक लड़की जिंदा सांप खाती है, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, तोता तोता भविष्य फल बताता है, तोता भविष्य का फल बताता है, मथुरा की खुरचन लीजिए, मथुरा की खुरचन लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, अपनी जेबें संभालिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का पुलिस चौकी से ले जाए के पग घुंघरू बांध, ओ आज मौसम आगे बढ़े, दो रुपए में राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन देखिए, ये ये दो रुपए में शाहरुख खान, आइए आखिरी खेल आखिरी खेल। एक बच्चा खो गया है, बाद में पता चला मेले में एक ही बच्चा डेली खो रहा था, सेम बच्चा लाल चड्डी पहन के हमेशा खो जाता था। आज जब उसकी माँ लेने आई तो पुलिस ऑफिसर ने कहा क्या बात है, तुम्हारे बच्चा रोज कैसे खो रहा है, है? आज मैंने पहचान लिया है, डेली खोता है, तुम ही लेके जाती हो, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, पहले बच्चा दे दो दरोगा जी, पहले बच्चा दे दो, भी बता रहे दरोगा जी, बात ऐसी है हमारे गांव के प्रधान ने हमसे कही कि बच्चा अगर मेला देखे में डिस्टर्ब करे परेशान करे तो जानबूझ के पहले से ही पुलिस चौकी के पास छोड़ दो। हमने हमने सुनी है कि मेले में बच्चे लोगों को पुलिस बहुत अच्छा संभालती है।